Hello, good morning, my dear students. Class 10th और आज का lecture 4 है और आज का topic जो है How the plants obtain carbon dioxide? इससे पहले हमने जो है study किया था photosynthesis. Photosynthesis के बाद जो topic आपका है How the plants obtain carbon dioxide? Plant carbon dioxide को कैसे obtain करता है? Okay? तो आपको मालूम है कि जो leaf होता है, ये leaf है, मैं draw कर रहा हूँ. इस leaf में छोटे छोटे पोर होते हैं, ओके? छोटे छोटे पोर होते हैं लोअर सरफेस पे, ओके? ऐसे पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इंटर करता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है लीफ से, वो बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ओके? अगर कोई हर्बेसियस प्लांट है तो उसके स्टेम में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं. अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं कि स्टोमेटा दिखने में कैसे होता है. तो यहां स्टोमेटा, यहां से हम एक स्टोमेटा यहां से हम पिक करते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का जो मैं यहां ड्रा कर रहा हूं. देखिए इस तरीके से आप लोगों को स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को ड्रा करना है. ओके, यहां जो सबसे आउटर सेल होती है इसे हम सब सी डेरी सेल कहते हैं. उसके बाद में आपको दो सेल अंदर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, वन एंड टू, ओके? इसको हम कहते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल. इस गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं. Is nucleus and it is chloroplast. Okay. अब यहां पर देखिए दोनों गार्ड सेल के बीच में आपको एक पोर दिखाई दे रहा होगा. ऐसे पोर को हम कहते हैं इस्टोमेटल पोर. कौन सा पोर कहते हैं? इस्टोमेटल पोर कहते हैं, मेटल कैविटी भी कह सकते हैं इसको, और या फिर पोर भी कह सकते हैं. अब यहां पे देखिए अगर आपको स्टोमेटा के स्ट्रक्चर मालूम है, आप तो जनरली कह सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा होता है. लेकिन अगर आपको नॉलेज है स्टोमेटा के बारे में तो आप कहेंगे गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटल कैविटी या स्टोमेटल पोर के हेल्प से होता है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ के अंदर इंटर होगा वो स्टोमेटा के किस स्ट्रक्चर से इंटर होगा? स्टोमेटल कैविटी से इंटर होगा. और जो ऑक्सीजन बनेगा वो इसी स्टोमेटल कैविटी या स्टोमेटल पोर से क्या होगा? बाहर निकलेगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. ओके, यहां पे हम बुक देखते हैं.
ये बुक में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। ओके, उसके बाद में फिर देखिए लिखा हुआ है द स्टोमेटा अकर ओनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बट इन नैरो लीव्ड प्लांट्स द स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम बात करते हैं कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट किसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? स्टोमेटा के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। स्टोमेटा में स्टोमेटल कैविटी या स्टोमेटल पोर होते हैं, उसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर दैट, इसके बाद हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आपको मालूम है कि कोई भी प्लांट्स हो ठीक है, इसमें रूट होता है और रूट में रूट हेयर होता है, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। और ये रूट हेयर जो है वो सॉइल पार्टिकल से लगा होता है। ये सॉइल पार्टिकल हो गया, सॉइल पार्टिकल हो गया, और इसी सॉइल पार्टिकल से ये रूट हेयर अटैच होता है, लगा होता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल के अंदर वाटर का जो अमाउंट होता है उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, और ये कैपिलरी वाटर को रूट हेयर एब्जॉर्व करता है, फिर रूट में जाता है, रूट से फिर ये स्टेम में जाता है। जब वाटर जाता है तो आप जानते हैं कि वाटर के अंदर मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं। मिनरल्स कहीं अलग से नहीं जाता है, बल्कि मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व होते हैं। और यहां पे मिनरल्स जो हैं वो है नाइट्रोजन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो 17 टाइप्स के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, एलिमेंट है जो, वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन को कोई भी रूट हेयर या कोई भी प्लांट एब्जॉर्व करता है तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्व करता है। ओके, तो कोई भी प्लांट है, अगर ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर लेता है, तो उस वाटर के साथ साथ मिनरल जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो भी प्लांट के अंदर जाते हैं, और रूट हेयर जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्व करता है, रूट को पहुंचाता है, रूट को देता है, और फिर रूट स्टेम तक वाटर को कंडक्ट करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो है जाइलम पाया जाता है, और वही वाटर को कंडक्ट करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पे देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है? फोटोसिंथेसिस कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पार्ट होता है और स्ट्रोमा पार्ट होता है। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लीफ का, ये देखिएगा। यहां पे अगर लीफ के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं आप, तो ये अपर इपिडर्मिस है, ऊपर की तरफ ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये अपर इपिडर्मिस है। अपर इपिडर्मिस पर, यहां पे देखिए, अपर इपिडर्मिस पर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। ये क्यूटिकल लेयर जो है वो ट्रांसपरेशन से, यानी कि वाटर लॉस से लीफ को बचाती है। तो ये अपर इपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाया जाता है। ओके, फिर अपर इपिडर्मिस के जस्ट बिलो पैलिसेड लेयर होता है, और क्या होता है?
पैलिसेड लेयर में क्या होता है, पैलिसेड लेयर एक लाइन में ऐसे रिंग फॉर्म में क्या होती है, अरेंज होती है, और इसी पैलिसेड लेयर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसके बाद में स्पॉन्जी लेयर होता है, यहां तक देखिए स्पॉन्जी लेयर है, और इस स्पॉन्जी लेयर में एयर स्पेस यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस होती हैं वो फिल होती है यहाँ एयर स्पेस में, ठीक है। और लीफ के लोअर सरफेस पे भी लोअर इपिडर्मिस पाई जाती है, और इस लोअर इपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल होता है, और यहाँ पे गार्ड सेल दिखाया गया है, ठीक है, जो कि अभी आपने स्टोमेटा में पढ़ा है कि गार्ड सेल होता है, दो गार्ड सेल होते हैं, एक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं, और दोनों गार्ड सेल के बीच में एक पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर, जो कि अभी आपने स्टडी की है। तो यहां देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, यहां पे मीजोफिल, ओके मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में जो है वो कितने लेयर है, पहला है पैलिसेड लेयर है, दूसरा क्या है, पैलिसेड लेयर में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फिर स्पॉन्जी लेयर है, और उसके बाद में स्पॉन्जी लेयर में क्या फील्ड है, स्पॉन्जी लेयर में एक क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फील्ड है। ओके स्ट्रक्चर देख लीजिए आप क्लियरली, आफ्टर दैट इसके बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन। तो आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बिवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बिवोर्स। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं, काउ ले सकते हैं, कैमल ले सकते हैं, डीर ले सकते हैं, ओके। कार्निवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स, लाइक लायन हो सकता है एग्जाम्पल में, टाइगर हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड नाउ लास्ट ओमनिवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल मैन हो सकता है, डॉग हो सकता है, क्रो हो सकता है, स्पैरो हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ओके। तो यहां पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल क्लासिफाइड हर्बिवोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा कार्निवोर्स, और तीसरा क्या हो जाएगा ओमनिवोर्स। यहां पे देखिए जो अपने फूड के फॉर्म में प्लांट को ईट करता है उसे हम हर्बिवोर्स कहते हैं, जो अदर एनिमल्स को एज ए फूड खाता है उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं, और ऐसे ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एज ए फूड यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके थैंक यू।